नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कल अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 64 नाम है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 21 नामों की घोषणा की है। इस तरह से दो बार में पार्टी अब तक 90 में से 85 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। भाजपा ने एक दिन पहले जो 64 सूची जारी की है, उनमें 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके पास LLB यानी कि वकालत की डिग्री है। दो पूर्व IAS हैं, इनमें OP चौधरी और नीलकंठ टेकाम शामिल हैं। एक पद्मश्री अनुज शर्मा हैं, दो विधानसभा के पूर्व स्पिनर और स्पीकर धर्मलाल कौशिक और प्रेम प्रकाश पांडे, साथ ही साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित 12 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीति में कैंडी क्रश गेम की एंट्री हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मोबाइल पर गेम खेलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो इंटरनेट पर साझा की है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक दूसरे पर तंज कसा। भाजपा ने कहा कि भूपेश निश्चित है और बताया जा रहा है कि उन्हें पता है कि सरकार तो आनी ही नहीं है। वहीं भूपेश ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि किससे आशीर्वाद देना है। साथ ही मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर इंटरनेट मीडिया प्रसारित हुई है। तो इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक्स पर लिखा है कि भूपेश 5 साल से आप छत्तीसगढ़ के साथ ही तो खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इस महीने 6 दिन की त्योहारों की छुट्टी हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इस साल दशहरा की छुट्टी 6 दिन की होगी। ये 23 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद नवंबर में भी दिवाली की लंबी छुट्टी होगी। ये छुट्टी 11 नवंबर से 16 नवंबर तक होगी। दुर्ग विधायक अरुण वोरा बुधवार को GRD आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन पर बच्चों को प्रलोभन देकर वोट मांगने का आरोप लगा। उन पर आरोप है कि वो शासकीय विद्यालयों में जाकर स्कूल भवन बनवाने का वादा कर रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बोलकर कांग्रेस को वोट करे। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।